नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशमा बुटीक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज को दुपट्टे का यूज करना बताऊंगी। दोस्तों, आपके पास अगर पुराना दुपट्टा बचा हुआ है जिसका हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम कैसे यूज में लाएंगे? दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि उस दुपट्टे से हम कितनी खूबसूरती से कुर्ती बना के पहन सकते हैं। दोस्तों, दुपट्टा अगर आपका अच्छा दिखता है, उसमें बॉर्डर है, मतलब जैसा भी आपका दुपट्टा है, आप उसको एक परफेक्ट कुर्ती की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि हम दुपट्टे से कुर्ती कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दुपट्टा है, ये देखिए इसके दोनों साइड में बॉर्डर है। अब तो दोस्तों, दुपट्टे से कुर्ती कैसे बनाएंगे, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कुर्ती कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दुपट्टा है, इसके दोनों साइड में बॉर्डर दिया हुआ है और इसका प्रिंट इधर से है। अगर प्रिंट सीधा होता है तो हम कपड़े को ऐसे सीधे में कट कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रिंट ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे अगर आपका दुपट्टा है तो आप कुर्ती की कटिंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका दुपट्टा है तो दुपट्टे में बिना अस्तर के आप कुर्ती मत बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दुपट्टा है और इस नाप से हम इसकी कुर्ती बनाएंगे। मैं आपको नाप दिखा रही हूँ, इसमें हमारी लंबाई है 37 इंच की, 37 इंच। इसका चेस्ट है 21 इंच, कमर 20 इंच की है, हिप 21.5 इंच की है, आगे का गला 6.5 इंच और पीछे 7.5 इंच का है। तो दोस्तों, इसी नाप से हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने किनारी का ये चीज सिला हुआ है, इसको हमें कट करके निकाल देना है। इसको निकालने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस सूट में हम अपना दोनों पल्ला एक ही साथ कट करेंगे। अगर आपको ना समझ में आए कि दोनों पल्ला एक साथ कैसे कट करते हैं, तो उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे 42 साइज के 42 इंच का सूट है। इसको हम पहले बराबर से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हम जैसे हमारा बॉर्डर है तो यहाँ से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इधर से भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने इसके अस्तर की कटिंग कर रखी है पहले से। दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए कि 42 इंच के सूट की कटिंग कैसे करते हैं, उसका आर्म होल और तीरा कितना रखते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब एक साथ बनाने में वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखिये दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नाप ऐसे ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये हमारा किनारी है तो इसको हम कट करके निकाल देंगे, हमको यहाँ से ही रखना है। तो इसका निशान हम ऐसे लगाएंगे और हमारी लंबाई इसमें 38 इंच की होगी। तो यहाँ से देखिए, हमने 37 इंच पे अपने अस्तर की कटिंग 37 इंच पे की है, क्योंकि सूट के कपड़े से अस्तर का कपड़ा थोड़ा छोटा होता है। और इसमें देखिए, हमारी पूरी लंबाई 39 इंच की आ जाएगी। ये हम इतना रहेगा जो एक्स्ट्रा हमारा है, इसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो हमें कटिंग यहाँ से करनी है। तो दोस्तों, हमको दोनों पल्ला एक साथ कट करना है, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ से रखा इसको अपने कपड़े को, और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे यहाँ से। अब इसको हटा देंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से फोल्ड किया, इसमें हमारा एक पल्ला कटेगा। और अब हम यहाँ से एक फोल्ड करेंगे, यहाँ से हमने निशान लगाया ये, और हम यहाँ से जहां से हमने निशान लगाया है यहाँ से एक फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने दो बार इसको फोल्ड कर लिया है। अब जब हम इसको इस निशान पे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा दोनों पल्ला तैयार हो जाएगा। देखिए, हमने इसे बराबर से फोल्ड कर लेना है यहाँ से, और हम यहाँ से जो हमारा बॉर्डर है इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि ऊपर नीचे ना हो ये, और नीचे से भी हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, इसकी कटिंग करने के लिए हमें अपने अस्तर के कपड़े को यहां से हम इसको बराबर से रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमें ऐसी कटिंग करनी है कि इसका नीचे से बॉर्डर पूरा आ जाए और यहां से भी हमारा ये बॉर्डर, बस यहाँ हमारा जो शोल्डर बचता है यहीं पे आएगा। तो हम इसकी सिलाई ऊपर से लेंगे, और जितना हमने गले का निशान लगाया है आगे से 6.5 इंच पे, देखिए वहीं से हमें इसको कट कर देना है। दोस्तों, ये एकदम डिजाइनर कुर्ती की तरह आपकी कुर्ती बनेगी।
देखिए दोस्तों, हमने इसे बराबर से ऐसे मिला लिया है। अब इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने इस कपड़े को इस पे रखा है उसी तरह से। लेकिन दोस्तों, हमें कट करते समय इसको पूरा लेना है, ये हमें कट नहीं करना है, हमें बस यहाँ से कट करना है। मैं आपको हर कटिंग की वीडियो में बताती हूँ कि हमें अपने अस्तर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होता है। देखिए दोस्तों, हमने सूट की कटिंग कर ली है, ये देखिए अस्तर में जोड़ लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सूट की कटिंग करेंगे तो आपका सूट बहुत जल्दी कट होगा और बहुत ही खूबसूरती से बनेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी टिप मैं आपको आपके लिए लेके आती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।